दूसरे वनडे मैच से पहले टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी। शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने कोरोना को दी मात। बुधवार को होने वाले मुकाबले के लिए रहेंगे उपलब्ध। कोरोना संक्रमित होने के कारण भारतीय टीम से बाहर हुए शिखर धवन और श्रेयस अय्यर रिकवर हो गए हैं। वह मंगलवार शाम के होने वाले प्रेस्टी सेशन में टीम का हिस्सा होंगे और बुधवार को होने वाले मुकाबले के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका लगा था। भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इन खिलाड़ियों में चार का नाम सामने आया था, शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और नवदीप सैनी। इसके बाद इंडियन स्क्वाड में मयंक अग्रवाल को जोड़ा गया था। दूसरे मुकाबले में टीम का बन सकते हैं हिस्सा। शिखर धवन, श्रेयस अय्यर के आने से अब भारतीय टीम और मजबूत नजर आ रही है। धवन इस समय शानदार फॉर्म में है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की थी। वेस्टइंडीज के पहले मुकाबले में टीम का मध्यक्रम भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। कोहली पंत बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे। ऐसे में अय्यर के टीम में आने से मध्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रोहित शर्मा की बेहतर कैप्टन पहली सीरीज। विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा की बेहतर फुल टाइम वनडे कैप्टन में पहली सीरीज है। 2023 में भारतीय टीम को अपने घरेलू मैदान पर वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ की नज़र इस सीरीज पर है। पहले मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन भी अच्छा रहा था। उन्होंने 6 विकेट से वेस्टइंडीज को मात दी थी। सो दोस्तों, आपके अनुसार भारत साउथ अफ्रीका में से दूसरा वनडे मैच कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्रिकेट की ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।